दिल्ली हिंसा के चपेट में आने से अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी भी कई घायलों का इलाज चल रहा है। इसमें गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 38, लोकनायक हॉस्पिटल में 3, जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में 1 और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 4 लोगों की मौत हुई। रविवार को पुलिस ने गोकलपुरी और भागीरथी विहार के नाले से 3 और शव बरामद किए। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई, पुलिस की तरफ से जांच जारी है। वहीं पुलिस ने हिंसा को लेकर 334 FIR दर्ज किया है, जिसमें से 41 FIR आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई है। इसके अलावा पुलिस अभी तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया है और 903 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि बीते 4 दिनों के दौरान प्रभावित इलाकों से हिंसा की कोई खबर नहीं आई।